पिछले कई दिनों से पहाड़ों में जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, उसे बारिश आने से धीरे धीरे मौसम ठंडा हो गया है और आज चारों तरफ दिखाई दे रहा है कि मानसून आना शुरू हो गया है। ऊपर चोटियों में देख सकते हैं पूरा कोहरा लगना शुरू हो गया है और धीरे धीरे बारिश भी यहां से शुरू हो गई है। तो लगता है कि धीरे धीरे पहाड़ों में मानसून ने दस्तक दे दी है और आज पहले मानसून की बारिश भी होना शुरू हो गया है, क्योंकि पूरा मौसम कोहरे से पैक हो गया है और ऊपर से काले बादल लगे हैं। तो इस प्रकार का जब मौसम होता है तो पहाड़ों में मानसून दस्तक दे देता है। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप भी अच्छे से होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है, सुबह के लगभग 9:30 बजने वाले हैं और पहाड़ों में पिछले कई दिनों से जो भीषण गर्मी चल रही थी उससे काफ़ी राहत मिल गई है और आज से लगभग जो दिखाई दे रहा है मौसम का जो मिजाज है उससे लग रहा है कि पहाड़ों में मानसून ने दस्तक दे दी है। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है और रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। तो इससे पहले कर लेते हैं एक नए दिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं पम्मी अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। ये देख सकते हैं कि ऐसे मौसम में भी हेली सेवा चालू है और हेली सेवाएँ उड़ान भर रही हैं। ये लगातार देख सकते हैं कि एक के बाद दूसरा हेली उड़ान भर रहा है, ये सामने से देख सकते हैं। सामने जो ऊपर आपको ये चोटी दिखाई दे रही है, ये केदार घाटी वाली चोटी है। देख सकते हैं कि पूरी चोटी पे कोहरा लगा हुआ है और बारिश धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो मानसून ने पहाड़ों में दस्तक देना शुरू कर दिया है। अभी मैं हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से शहर फाटा में। फाटा केदार घाटी चारधाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव भी है, जो कि केदारनाथ यात्रा के लिए मुख्य पड़ाव में से एक पड़ाव है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि फाटा मार्केट का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। केदारनाथ चारधाम यात्रा तो अचानक ठप हो गई है, देख सकते हैं कि वाहनों का आवाजाही बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल सीज़न बिल्कुल ठप पड़ गया है। लेकिन जो आज मानसून की पहली बारिश हुई है, इससे चारों तरफ का जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी मैं हूँ फाटा के हनुमान मंदिर में और हनुमान मंदिर से जो फाटा शहर का जो नज़ारा दिखाई देता है वो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो पूरे फाटा मार्केट का जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो हनुमान मंदिर से जो फाटा मार्केट का नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि जो फाटा का हनुमान मंदिर है वो काफ़ी ऊंचाई पे है, जिससे चारों तरफ का जो नज़ारा है वो काफ़ी अल्टीमेट दिखाई देता है। मैं हूँ फाटा के हनुमान मंदिर में। हनुमान मंदिर फाटा मार्केट के ठीक ऊपर है, जहाँ से केदार घाटी का जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। और हनुमान मंदिर में जो हैं जमलोकी जी, और जमलोकी जी यहाँ पे मंदिर की रखवाली भी करते हैं। और जो कि मंदिर ज़्यादातर जो आते हैं, जैसे साधु संत लोग आते हैं जो आश्रमों में रहते हैं, तो रात्रि निवास ज़्यादातर हनुमान मंदिर में ही उन लोगों का होता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे जमलोकी जी का होता है। साथ ही आप लोगों को हनुमान जी के दर्शन भी करा लेते हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी की भव्य मूर्ति लगी हुई है और ब्लॉग के माध्यम से आपको भी हनुमान जी के दर्शन करा लेते हैं। Thank you.
अभी आप जो ये खूबसूरत सा नज़ारा देख रहे हैं, ये है केदार घाटी के एक खूबसूरत सा शहर फाटा शहर का। तो देख सकते हैं कि धीरे धीरे यात्रियों की भी आवाजाही हो रही है, लेकिन सीज़न तो काफ़ी कम हो गया है। चारधाम केदारनाथ यात्रा बिल्कुल स्लो हो गई है। तो यहाँ पर हनुमान मंदिर है और यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बरामदा बना हुआ है। और ज़्यादातर जो केदारनाथ यात्रा पे साधु संत या जो लोग जिनके पास रहने के लिए उतना ज़्यादा पैसा नहीं हो पाता है, तो ये हनुमान मंदिर जी में सहारा ले लेते हैं और यहाँ पर रात्रि निवास करके फिर आगे केदारनाथ यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। ये देखो मौसम फिर से खुल गया है, तो पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। अभी हल्की हल्की धूप लग चुकी है, फिर से मौसम खुल गया है। और कुछ देर पहले मौसम बिल्कुल पैक हो रखा था, पूरी जगह धुंध और कोहरा ही छाया हुआ था और बारिश लगी हुई थी, और अभी हल्की हल्की धूप लगना शुरू हो गया है। आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मैं पम्मी अग्रवाल मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ।